हे गाइस, आई एम पूजा कंवर। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि BARC यानी BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से आउट की गई हैं। कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, कौन कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है एंड इन द लास्ट सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं, सबसे पहले पोस्ट है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है। योग्यता मांगी गई है 10+2 विद साइंस एंड विद केमिस्ट्री या इक्विवेलेंट। हैविंग व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस ड्राइविंग में मांगा गया है एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में भी मांगा गया है। एज लिमिट 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से मिल सकता है। लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2021 है। सैलरी लेवल 3 एंड एंट्री लेवल पर 21,700 रुपये मिलेंगे एंड अलाउंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एडमिशिबल है वो सभी भी प्रोवाइड किया जाएगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफलाइन है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, सब ऑफिसर के लिए वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। योग्यता मांगी गई है 10+2 विद साइंस एंड केमिस्ट्री में या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री मांगी गई है एंड पास सब ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज। हैविंग व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस में भी मांगा गया है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 12 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ फायरमैन या 12 ईयर एक्सपीरियंस एज अ फायरमैन या ड्राइवर कम ऑपरेटर्स में मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से मिल सकती है। लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2021 है। सैलरी लेवल 6 है। एंट्री लेवल पर 35,400 दिए जाएंगे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अलाउंस एडमिसेबल है वो सभी प्रोवाइड किए जाएंगे। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफलाइन है। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर का जो प्रोसेस है, सबसे पहले फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा, देन ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा एंड रिटन टेस्ट 2 स्टेज में होगा। जो भी कैंडिडेट फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें ड्राइविंग टेस्ट एंड रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस स्टेज फर्स्ट में प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जिसका 1 घंटे का होगा एंड MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आएंगे, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, GA यानी जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। स्टेज 2 में जो भी कैंडिडेट स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेगा उसे स्टेज सेकेंड के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज सेकेंड में सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे एंड इसका भी ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा एंड मेरिट लिस्ट जो लास्ट में प्रिपेयर किया जाएगा। स्टेज 2 में जो भी स्कोर अचीव करेंगे उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिंपली लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर विजिट करके ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें ताकि जिसको इसकी ज़रूरत हो उसको इसका बेनिफिट मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।